और इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। मिनी मुंबई में रेमडेसिविर की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते दो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। युवकों के पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ। 40,000 में इंजेक्शन बेचने जा रहे थे। भवरकुआ पुलिस ने कार्रवाई की है। तो लगातार जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत हो रही है, किल्लत हो रही है, उस बीच इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और अब इंदौर में भी आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो 40,000 में इंजेक्शन बेचने जा रहे थे। युवकों के पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। निश्चित रूप से जिस कालाबाजारी का शक पहले से ही था, उस तरह के मामले अब लगातार उभर कर सामने आने लगे हैं। भोपाल के बाद इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवकों के पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। 40,000 में इंजेक्शन ये आरोपी बेचने जा रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और कुछ इसी से मिलता जुलता मामला भोपाल की ओर से भी सामने आया है। भोपाल की अगर बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दो आरोपी वहां पर भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से तीन रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। थाना कोहिफिजा पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसी के साथ तीन रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। कालाबाजारी की लगातार अब खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी हुई है। लगातार पुलिस ने नजर बना के रखी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है भोपाल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ।